पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, जिस पर सोलन भाजयुमो मंडल ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भाजयुमो सोलन मंडल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है, क्योंकि वहां लोकतंत्र का नहीं बल्कि हिटलर की तरह राज चलाने का प्रयास किया जा रहा है। नियम कानून क्या होते हैं, शायद वहां की सरकार इससे अनभिज्ञ है। यही वजह है कि उनके हिमाचल के चहेते नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर वहां हमला करवाया गया। लेकिन ये हमला तृणमूल कांग्रेस की सत्ता के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जगत प्रकाश नड्डा को अपने क्षेत्र में देखकर बुरी तरह से बौखला चुकी हैं और उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। यही वजह है कि वह इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। सोलन मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित भारद्वाज ने कहा कि ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोटना चाहती हैं, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भाजयुमो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को ये आभास हो चुका है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे उनकी चलने वाली नहीं है और वे जल्द ही सत्ता से बाहर होने जा रही है। इसी बौखलाहट में वे अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे उनसे मांग करते हैं कि वे इस घृणित कार्य के लिए स्वयं आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। रोहित भारद्वाज, युवा मोर्चा अध्यक्ष सोलन मंडल। मैं युवा मोर्चा सोलन मंडल की तरफ से कहना चाहूंगा कि जिस तरह की कायराना हरकत और ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता द्वारा की गई, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला किया गया, ये बहुत निंदनीय है। ये ममता बनर्जी सरकार की गुंडागर्दी दर्शाती है। ममता बनर्जी जी की जो कार्यकर्ता है उनकी उन लोगों की सोच दर्शाती है कि उन लोगों को डर सता रहा है कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल से जाने वाली है, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, उनको डर सता रहा है। और ये हरकत की गई है उससे पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठ रहा है। हम कहना चाहेंगे ममता बनर्जी जी को कि आप डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास मत उठाइए, गुंडागर्दी मत कीजिए और आप स्वयं आकर उसके लिए माफ़ी मांगे।